टीम इंडिया की कप्तानी मिलते ही हवा में उड़ रहे हैं हार्दिक पांड्या। इन तीन मौकों पर दिखा चुके घमंड। पांड्या ने नहीं मानी विराट की बात तो आग बबूला हुए किंग कोहली। घूरता हुआ वीडियो हुआ वायरल। दूसरा रन लेने से रोका तो कोहली ने तमतमाकर हार्दिक पांड्या को क्यों देखा। विराट से लेकर हार्दिक तक कोई नहीं इस खिलाड़ी को मौका देने को राजी। बेंच पर बैठे बर्बाद हो गया करियर। भले ही श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया ने T20 सीरीज जीत ली हो, लेकिन नए कप्तान की कप्तानी और बिहेवियर को लेकर चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से BCCI ने उन्हें कप्तानी सौंपी है, तब से उन्होंने अपनी कप्तानी से फैंस को प्रभावित किया। लेकिन फैंस का आरोप है कि टीम इंडिया की कप्तानी मिलते ही गुरूर में चूर हो गए पांड्या, जिसका ताजा उदाहरण बीच मैदान में लाइव मुकाबले के दौरान देखने को मिला। आइए नजर डालते हैं उन तीन मौकों पर जब हार्दिक बीच मैदान में कप्तानी के घमंड में चूर होते हुए नजर आए। भारत और श्रीलंका के बीच पहले वनडे मुकाबले में मेहमान टीम को 67 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में भारत की जीत से ज्यादा विराट कोहली और हार्दिक पांड्या के बीच लाइव मैच में अनबन चर्चा का मुद्दा बनी रही। सोशल मीडिया पर फैंस ने कहा कि हार्दिक कप्तानी के घमंड में चूर होते हुए नजर आ रहे हैं। बीच मैच में कोहली ने लेग साइड की तरफ एक शॉट खेला था, जिस पर कोहली 2 रन चुराना चाहते थे, लेकिन हार्दिक ने उन्हें हाथ दिखाकर मना कर दिया था। इसके बाद कोहली का गुस्से वाला रिएक्शन भी देखा गया था। वहीं इसके बाद जब फील्डिंग की बारी आई तो उन्होंने एक बार फिर से कोहली के साथ अजीबोगरीब हरकत की। जब विकेट लेने के बाद खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए मैदान पर आ रहे थे, तभी हार्दिक का हाथ विराट के सिर पर बहुत जोरों से लगता है, जिसके बाद कोहली आग बबूला होते हुए नजर आते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की सीरीज खेली गई। इस सीरीज पर भारत ने जरूर कब्जा किया, लेकिन हार्दिक का एक फैसला काफी विवादों में रहा। दरअसल भारत को दूसरे T20 मुकाबले में लंकाई टीम से हार का सामना करना पड़ा था। इस मुकाबले में कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर बॉलिंग पिच पर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इस खराब फैसले के बाद उनकी आलोचना की जा रही है। हार के बाद हार्दिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि उन्हें इस बारे में पता ही नहीं था कि ये गेंदबाजी पिच है, लेकिन इस फैसले में फैंस को उनके भीतर कप्तानी का घमंड नजर आ रहा है। भारत को दूसरे मुकाबले में 16 रनों से हार झेलनी पड़ी थी। पहले T20 मुकाबले में भारत को आखिरी ओवर में रोमांचक जीत मिली, लेकिन इस जीत से पहले आखिरी ओवर में हार्दिक ने अपने एक गलत फैसले से फैंस की धड़कन बढ़ा दी थी। दरअसल पारी के आखिरी ओवर में श्रीलंका को जीत के लिए 13 रनों की दरकार थी, लेकिन हार्दिक ने आखिरी ओवर में खुद गेंदबाजी नहीं करते हुए स्पिनर गेंदबाज अक्षर पटेल को ओवर दे दिया। हालांकि इस मुकाबले में अक्षर 13 रनों को बचाने में कामयाब रहे और भारत को 2 रनों से जीत मिल गई। हालांकि इस मैच में हार्दिक का ये फैसला समझ से बिल्कुल परे था। इसके बाद उन्होंने कहा था कि वो अपनी टीम को हर मुश्किल वक्त से गुजारना चाहते हैं, लेकिन इस फैसले से हर भारतीय फैंस को उनके भीतर कप्तानी का घमंड नजर आया। दूसरी तरफ वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा ने मैच विनर खिलाड़ी प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया। ये पहली बार नहीं जब इस खिलाड़ी को नजरअंदाज किया गया। इससे पहले विराट हार्दिक की कप्तानी में भी ये खिलाड़ी पानी पिलाता हुआ नजर आया। जब विकेट टेकिंग गेंदबाज की बात की जाती है तो चाइनामैन के नाम से मशहूर कुलदीप यादव का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्होंने टीम के लिए अहम मौकों पर विकेट लिए हैं, लेकिन इन दिनों पर स्क्वाड में तो शामिल किया जाता है, लेकिन उन्हें प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया जाता। ऐसे ही कुछ श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पहले मुकाबले में कुलदीप को नहीं खिलाया गया और वो बेंच गर्म करते हुए नजर आए। बांग्लादेश दौरे पर 3 वनडे मैचों में की सीरीज में शुरुआती 2 मुकाबलों में उन्हें बाहर रखा, जबकि 3 मैच में उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में शामिल ना करने को लेकर आपकी राय क्या है? क्या उनके साथ नाइंसाफी हो रही है? आप अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।